हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो करेले कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से मैं करेले की सब्जी बनाने वाली हूँ, उस तरह से करेले खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और इवन बच्चों को भी पसंद आने वाले हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब करेले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर रही हूँ। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने इनको डाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। एक चौथाई चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब हम इसको इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि नमक और हल्दी करेले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए कवर करेंगे। लगभग आधे घंटे के लिए हम इसको कवर कर लेंगे, जिससे कि जो करेले का मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। आधे घंटे बाद हम करेले को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें इनमें से कितना पानी निकल रहा है नमक और हल्दी के कारण। तो आप इनको अच्छे से निचोड़ लें। और पानी, जो कड़वा पानी होता है करेले का, जिसके कारण हमें करेले बहुत कड़वे लगते हैं, तो ये हम निकाल देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हमने इसमें करेले डालने हैं फ्राई होने के लिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए, क्योंकि करेले में अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है। तो अगर हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो जल्दी से इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाएगा और ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए करेले यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है इनके ऊपर और एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं ये, जैसे हम एकदम पकौड़े बनाते हैं, करारे पकौड़े, तो ये कुछ इसी तरह के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल रहने दिया है और एक्स्ट्रा तेल जो है मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड किया है आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ राई और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। तो सौंफ आप ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि सौंफ से जो है करेले में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और प्याज को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, इसको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। और 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। तो करेला जब हम प्याज के साथ बनाते हैं तो खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुका है, प्याज का कलर जो है चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं है। तो और मैंने नमक डाल दिया है इसमें, नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ी देर तक फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने यहाँ पर। अब हम इसको पकाएंगे टमाटर के गलने तक। आप चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए ढककर भी पका सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले। करेले भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस समय पर हमने गैस की जो फ्लेम है उसको एकदम से लो करके रखना है, जिससे मसाले जले नहीं। और हमने इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से भूनना है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको ढक नहीं रही हूँ, इसी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक खट्टा सा टेस्ट आता है इससे। और एंड में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और धनिया को भी इसमें मिक्स कर लेंगे, जिससे धनिया का जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी में अच्छे से आ जाए। तो एक बार इस तरह से आप करेले की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके लिखें कि आप करेले की सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं, क्या आप भी इसी तरह से करेले की सब्ज़ी बनाते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।